बाबा जी, कि अगर आपने संत मत में लगाना होता है तो फिर मैं कभी कहीं गया, कभी कहाँ गया, फिर आखिरकार अब आया आपके पास ही। नामदान लिया हुआ है मैंने, तो हमारे मम्मी पापा सबने नामदान लिया हुआ है, पर मैं कहीं 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 जगह पे गया। पहले आते थे हम ब्याज, फिर उसके बाद में कहीं कहीं गया, उधर गया उधर गया, पर फिर आखिरकार आपके पास ही आया। फिर पहले ही बुला लेते ना बाबा जी। बेटा तेरे शौक कैसे पूरे होते हैं? अब शौक पूरे करके आ गया। अपने संत मत में सीधा ही लगाना था ना। पर मन में चाहत रह जाती, अब वो चाहत देख लिया। इस सब्जेक्ट के कुछ नहीं मिला, मिला तो फिर यहीं से ना सब कुछ। हाँ, तो फिर नहीं तो मन में चाहत रहती ना कि मैं वहां जाता तो ये। बाबा जी, मैं और बहन ना झूठ बोल के आते हैं कि हम दवाई लेने जाते हैं। कोई बात नहीं है बाबा जी, जैसे कहाँ सत्संग पे आते हैं तो ऑफिस में झूठ बोल के आते हैं। बेटा आप और भी कोई कह सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि अच्छी बात करने के लिए झूठ बोलना पड़े। बेटा नहीं, बेटा अगर आप उनको प्रेम और प्यार से कहेंगे कि जी मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, ओवर टाइम कर लूँगा, मेरे को ये 1 घंटा छुट्टी चाहिए, ज़रूर देंगे। आपसे किसी ने मुलाकात की थी तो उन्होंने आपसे पूछा था कि ये लोग जो सेवा करते हैं, इन्हें क्या सेवा करने से क्या हासिल होगा? तो आपने जवाब दिया कि अगर इन्हें पता चल जाए तो ये कभी सेवा खत्म नहीं करेंगे। तो थोड़ा इस पर नहीं बेटा, भावना की बात है। जिस भावना के साथ अगर हम सोचते हैं कि मैं ये करूंगा और इसके एवज में मेरे को कुछ मिले, तो फिर तो वो तो कारोबार हो गया ना। हमें सेवा करनी चाहिए निष्काम होके, कभी भी गिनती में नहीं लाना। सेवा करनी है कि मैं दूसरों को देना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं कुछ लेना चाहता हूँ। गिनती में डालेंगे तो सेवा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। बेटा निष्काम होके करेंगे, अपने आप मालिक उसको बढ़ाता जाएगा। कोई सेवा पक्ष बाबा जी, बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुसी कहने हो एक दिन दे विच 2.5 घंटे सिमरन जरूरी हुंदा है, पर जे कोई इंसान हैगा वो तुर फिर के सिमरन करी जांदा है, जां सिमरन करी जांदा उंदा ध्यान नहीं लगता, वो सिमरन लिखे विच लगदा है बाबा जी? बेटा तुर फिर के दुकान दुकारी चल सकदी है, तुर फिर के नौकरी चल सकदी है? नहीं जी। तुर फिर के पढ़ाई हो सकदी है? नहीं जी। तो फिर बेटा भजन सिमरन किवें आपां तुर फिर के कर लांगे? बेटा बेटा कोई भी काम पूरा करने वास्ते वक्त भी और ध्यान की लोड़ पैंदी है। बाबा जी मेरा दूजा क्वेश्चन ये है कि 18 साल के बच्चे नु नाम क्यों नहीं दिता जांदा? बेटा ना देखो, रिश्ता तो आप किसी भी उम्र में जोड़ सकते हैं, मकसद ये है उम्र रखने का कि आप सोच विचार के कदम चुकीए। बेटा छोटी उम्र में इंसान प्रभावित हो सकता है, माँ बाप का प्रभाव। बेटा मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। जो गुरु होता है ना, वो तो एक शीशे जैसा होता है। जब हम सब कुछ ठीक करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे से खुश है, हमारी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, हम सोचते हैं उसने मुंह फेर लिया। बेटा माँ बाप बच्चों से मुंह नहीं फेरते, बच्चे माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं। बेटा जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन होती है, दबाव होते हैं, अगर आप हिम्मत रखेंगी बेटा, सोच विचार के कदम उठाएंगी, अपने आप मालिक बख्शिश कर। नहीं बेटा कभी भी रिएक्ट नहीं करना किसी भी बात पे।